हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। आज हम करेंगे शब्द भेद का दूसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट कराया हुआ है तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखे थे शब्द के कुछ भेद अर्थ के आधार पर और बनावट के आधार पर। आज हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, कुछ अन्य आधार पर देखेंगे शब्द के प्रकारों को। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्या क्या डिस्कस करेंगे आज? उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है तो मैंने आज यही टॉपिक लिया है, उत्पत्ति के आधार पर। और ये टॉपिक, इसमें मैं तत्सम और तद्भव को कराऊंगी, बाकी जो बचे इसके टाइप हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तत्सम और तद्भव शब्द की परिभाषा को जानेंगे, इसमें उनको पहचानने के नियम देखेंगे क्या क्या होते हैं, और उदाहरण देखेंगे, कुछ उदाहरण देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। देशज और विदेशज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आज बात करेंगे सिर्फ तत्सम और तद्भव की। वो मैंने तत्सम और तद्भव सिर्फ इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं 400 से ज़्यादा इसमें तत्सम और तद्भव कराने वाली हूँ। मतलब वैसे तो ये पूरे आपके 800 के आसपास बनेंगे, क्योंकि तत्सम और तद्भव दोनों मिलाकर के हैं वो, तो एक ही लिस्ट में है इसलिए मैं 400 बोल रही हूँ। तो सिंगल तत्सम और तद्भव की बात करें तो पूरे 800 हो जाएंगे, अगर ग्रुप में दोनों की बात करें तो 400। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले इनकी परिभाषा देख लेते हैं। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, जिसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों। तो ज्यों का त्यों इसका अर्थ है, तो इसीलिए हम इसको तत्सम बोलते हैं, क्योंकि ये जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं, मतलब ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वो तत्सम कहलाते हैं। जैसा कि हम एग्जांपल देखें, अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य आदि, तो ये सब हैं जो कि एज इट इज़ संस्कृत से हम हिंदी में यूज़ करते हैं इनका। अब तद्भव कौन से होते हैं? तो जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत रूप उनका परिवर्तित कर दिया गया है तद्भव शब्दों का, इसलिए उन्हें तद्भव बोलते हैं। तो यही एक छोटी सी पहचान है इनकी। अब जैसे कि तद्भव में देखें तो तद्भव में हम आग कहते हैं और तत्सम में कहते हैं अग्नि, तो ये डिफरेंस है दोनों में। खेत कहते हैं तद्भव, तद्भव शब्द होता है खेत, और क्षेत्र होता है तत्सम। ये दोनों एक ही मीनिंग वाले शब्द इसलिए लिए हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। रात होता है तद्भव शब्द और रात्रि होता है तत्सम शब्द। सूरज तद्भव और सूर्य होगा आपका तत्सम। तो सिमिलर मैंने एग्जांपल लिए हैं समझाने के तौर पर। तो अब देखते लेते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम कौन कौन से हैं, किस तरह से हम इनकी पहचान कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार अंदाज़ा लगाना मुश्किल है क्योंकि सिमिलर लगते हैं। तो कुछ पहचान के नियम हैं इनके। तो अगर हम बात करें तो तत्सम शब्दों के पीछे क्या होता है? क्षय वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे हम बात करें, अक्ष लिखा हुआ है, अक्ष, तो ये लास्ट में क्ष, क्षो वर्ण का प्रयोग होता है तत्सम शब्दों के। और तद्भव शब्दों के पीछे क्या यूज़ होता है? ख और छ। तो तत्सम तद्भव में यूज़ होगा ख और छ, और
तत्सम में यूज़ होगा क्षो, मतलब तत्सम एकदम शुद्ध हिंदी की तरह लगते हैं हमें। कहते हैं ना कभी कभी कुछ शुद्ध हिंदी शब्दों का हम यूज़ करते हैं, तो वो एक्चुअली में तत्सम शब्द होते हैं। नेक्स्ट नियम देख लेते हैं। तत्सम शब्दों में श्रय का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सह का प्रयोग होता है। तो इस पर सिंपल सा असर होता वाला जो सह होता है तद्भव में वो यूज़ होते हैं और तत्सम में श्रय का यूज़ होता है। इसमें जब हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो उसके तौर पर उसमें आपको मैं अच्छे से समझा दूँगी। अभी यहाँ पर सिर्फ पढ़ लेते हैं नियमों को। और नेक्स्ट है तत्सम शब्दों में श का यूज़ होता है, जो श शलजम वाला श होता है वो यूज़ होता है तत्सम में, तद्भव में स सर होता। फिर इसमें आता है तत्सम में श षटकोण वाला श यूज़ होता है, तो श शलजम और श षटकोण वाला जो श होता है वो तत्सम में यूज़ होता है और स सरोता वाला जो स होता है वो होता है हमारे तद्भव में। नेक्स्ट है तत्सम शब्दों में रि की मात्रा का प्रयोग होता है। री की मात्रा, तो री की मात्रा आपने देखी होगी इस तरह से लगी होती है, जैसे हम क लिखें क के नीचे अगर ये वाली इस तरह से हम लगा दें तो ये होती री वाली मात्रा, ये वाली री वाली मात्रा होती है। नेक्स्ट रूल है आपका तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग होता है। र की मात्रा से मतलब होता है जैसे क को ही हम ले लें, अब जैसे यहाँ पर ये र की मात्रा होती है, या फिर ये वाली रह की मात्रा देखी होगी आपने कुछ शब्दों में, तो ये वाली भी रह की मात्रा होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल है तत्सम शब्दों में वह का प्रयोग होता है जनरली, और तद्भव में वह का यूज़ होता है, तो ये भी रूल आपको याद रखना है। तो अब देख लेते हैं इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं, कुछ नहीं हैं बहुत सारे हैं। अब जैसे हम अगर जोड़े में बात करें, जैसे इस तरह से ये जोड़ा है इन दोनों का, इस तरह जोड़े में तो ये 400 से ज़्यादा हैं, लेकिन अगर सिंगल की बात करें तो ये होंगे लगभग आपके 800। तो इतने सारे शब्द मैं इसमें कवर कराने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं। अब इसमें कुछ रूल्स फॉलो होने वाले हैं जो हमने पढ़े थे। तो फर्स्ट शब्द की अगर बात करें तो ये है आम्र, आम्र, इसमें र का यूज़ हुआ है जो मैंने बताया था, र की मात्रा का यूज़ होता है तत्सम शब्दों में, और ये है आम, ये है तद्भव। तो इधर हैं तत्सम, इधर हैं तद्भव। तो आश्चर्य, शलजम का यूज़ हुआ है जो कि बताया था मैंने, अचरज, तो आम्र का आम हो जाएगा तद्भव रूप, आश्चर्य तत्सम, आचरज अचरज तद्भव, अक्षी अक्षी बोलते हैं तत्सम रूप में, और आँख बोलते हैं तद्भव रूप में, अमूल्य अमोल, अग्नि आग, अंधेरा अंधकार। और एक चीज़ और, चंद्राकार बिंदु भी जनरली तत्सम शब्दों में यूज़ की जाती है। तद्भव रूपों में हम अनुस्वार को प्रेफर करते हैं, मतलब बिंदु का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है ये रूल हर जगह फॉलो होगा, मतलब जनरली मैंने बात करी है, आम तौर पर यही होता है। अगम अगम्य, आधा अर्ध, अकस्मात अचानक, आलस्य आलस, अज्ञानी अज्ञानी, ये सेम रहेगा अज्ञानी, अश्रु, अब ये श्र का यूज़ हो गया जो कि बताया था मैंने, आंसू, अक्षर अक्षर। अब अगर अक्षर की बात करें, ये एक क्वेश्चन में पूछा गया था किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था, तो लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि अक्षर ये थोड़ा सा तत्सम की तरह लग रहा है, लेकिन अक्षर इसमें क्योंकि क्ष का यूज़ हुआ है तो ये हमारा तत्सम हो गया, क्योंकि इसमें छ का हमने देखा था, छ का यूज़ हमने तद्भव में देखा था,
तो इसमें आएगा ये ऐसे ही, इसमें क्ष का यूज़ हो रहा है, इसमें ख का यूज़ हो रहा है। तो अंगरक्षक अंगरखा, आश्रय आसरा, ये जो इधर शब्द दिए हुए हैं वही उन्हीं का तद्भव रूप इधर दिया हुआ है। आशीष, ये षटकोण और सैसलजम वाला शय यहाँ पर यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर सैसर होते आशीष। फिर है अशीति, अस्सी, ओष्ठ, ओठ, आरात्रिका, आरती, त्रो, अमृत, ये र की मात्रा, री की मात्रा आ गई, अमीय, अंध, अंधा, अर्दद, आधा, अन्न, अनाज, अनर्थ, अनाड़ी, अग्रणी, ये र की मात्रा, अगुआ, अक्षवाट, अखाड़ा, क्ष, ख, अंगुष्ट, अंगूठा। तो ये दो तीन बार भी पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दो तीन बार पढ़ के आपको एक एक तरह से आपकी नज़र में आ जाएगा, ऑप्शन दिखेंगे तो आप टिक कर सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि काफ़ी सारे हैं, सारे याद रखने पॉसिबल नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद हमें एक तरह से ध्यान रहता है। अक्षोट, अखरोट, देखिए ज़्यादातर रूल वही फॉलो हो रहा है जो हमने देखा था। अट्टालिका, अटारी, अष्टादश, अठारह, अंक, आंक, अंगुली, उंगली, आंचल, आंचल, अंजलि, अंजुरी, अखिल, आखा, अगणित, अनगणित, अद, अध्य, आज, अम्बलिका, इमली, कुछ शब्द तो देखते ही पता चल रहा है अम्बलिका कुछ शुद्ध रूप है तत्सम में। अमावस्या, अमावस, अर्पण, अर्पण, अन्यत्र, अनत, अनार्य, अनाड़ी, अज्ञान, अजान। देखिए क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है अजान, जिसका मीनिंग आप जानते ही नहीं होंगे, तो इसलिए ये पढ़ने ज़रूरी हैं। अगर पढ़ लेंगे दो तीन बार तो याद रहेगा। आदित्यवार, इतवार, आभीर, अहेर, आम्रचूर्ण, अमचूर। जनरली देखिए हम तद्भव शब्दों को यूज़ करते हैं, हम अमचूर बोलते हैं ना कि आम्रचूर, तो तद्भव शब्द ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तत्सम कम यूज़ किए जाते हैं जनरली। आमलक, आंवला, आप देख भी रहे होंगे तद्भव आ रहे हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। आर्य, आर्ज, आश्रय, आश्रा, अश्विन, आसोज, आभीर, अहेर, इक्षु, ईख, ईर्ष्या, ईर्षा, ईर्षा, इष्टिका, ईंट। तो ये शायद देख कर ये मत समझना कि ये तो तद्भव में यूज़ हो गया। जनरली जो नियम बताए गए हैं वो जनरली यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पत्थर की लकीर कर की तरह वो थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इसी वजह से आपको ये पढ़ने हैं जिससे कि आपसे कोई चूक ना हो। उलूक, उल्लू, ऊंचा, उच्च, उज्ज्वल, उजला, उष्ट्र, ऊंट, उत्साह, उछा, उपालंब, उलाहना, उद्घाटन, उघाड़ना, उपवास, उपास, उच्छ्वास, उसास। कुछ कुछ शब्द तत्सम में भी कुछ अजीब से हैं, सॉरी तद्भव में भी, इसलिए ये पढ़ने की ज़रूरत है आपको। उद्वर्तन, उबटन, उलूखल, ओखली, ऊसर, ऊंट, एकादश, ग्यारह, एकादश, ये तो आपने सुना ही होगा। ये संख्या तो हम जनरली कैलेंडर में देखते हैं जो हिंदी कैलेंडर होते हैं, एकादशी वगैरह इसमें लिखा होता है। एला, इलायची, रिक्ष, रीच, किरण, किरण और किरण, यहाँ पर देखिए इसका अंतर है न और अण का। तो अभी तक मैंने नोटिस किया है कि अण, ये वाला न जो आता है वो इसमें आता है तत्सम में, एक पहले भी आया था एक शब्द इसी तरह का। कुपुत्र, कपूत, कर्म, काम, काक, कोवा,
कपोत कबूतर, कदली केला, कपाट किवाड़, कीट कीड़ा, कूप कुआ, कोकिल कोयल, कर्ण कान, कृषक कृषक किसान। तो इसमें भी हमने कुछ शब्द सुने हुए हैं, लेकिन जनरली क्या है, हम तद्भव ही यूज़ करते हैं। कुंभकर कुम्हार, कटु कड़वा, कुक्षी कोक, क्लेश क्लेश में इसमें आधा क यूज़ हुआ है और इसमें पूरा क्लेश। काष्ट काट, कृष्ण किशन, कुष्ट कोड, कृतग्रह कचहरी। तो देखिए कचहरी को हम कृतग्रह भी बोलते हैं। कर्पूर कपूर, तो इसमें ये र की मात्रा आ गई पेपर। कार्य काज, कार्तिक कार्तिक। कुकुर कुत्ता, कुकुर अपने संस्कृत में सुना होगा। कंदुक गेंद, देखिए जनरली ये संस्कृत में यूज़ होते हैं। कंदुक गेंद, कच्छप कछुआ, कंटक कांटा, कुमारी कुमारी, कृपा कृपा, कपर्दिका कौड़ी। तो हमने सिंपल सिंपल शब्द उठा लिए हैं, वो चाहे तत्सम के हों चाहे तद्भव के हों। आप देख रहे होंगे तत्सम के भी हम कुछ शब्दों को यूज़ करते हैं। जो भी इजी लगा वो हमने ले लिया है शब्द यूज़ के लिए। फिर है कुब्ज कुबड़ा, कोटि करोड़, कर्तव्य कर्तव्य, कंकण कंगन, किंचित कुछ, केवर्त केवट, खटवा खाट, घोटक घोड़ा, गृह घर, घृत घी, री की मात्रा, ग्राम र की मात्रा, गांव गर्धप गधा, ये र की मात्रा, घट गढ़ा, ग्रीष्म गर्मी, ग्राहक गाहक। और देखिए गाहक ये तद्भव शब्द है, लेकिन हम गाहक ना यूज़ करके ग्राहक यूज़ करते हैं। गौ गाय, घृणा घिन, ये घिन यूज़ किया जाता है, घिन किसी चीज़ से घिन आ रही है अगर। गर्जर गाजर, ग्रंथि ग्रंथि, गांठ घटिका घड़ी, गोधूम गोहूँ गेहूँ, ग्राहक गाहक, ये तो रिपीट हो गया, गोरा गोरा, गृध गीद, गायक गवैया। तो गवैया भी हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जनरली गायक हम यूज़ करते हैं। तो थोड़ा इजी है ये। ग्रामीण गमार, तो तद्भव अक्सर कभी कभी लोग बोल देते हैं। गो में गोबर, गृहिणी घरनी, गोस्वामी गोसाई, गोपालक ग्वाला, गर्मी घाम, चंद्र चांद, ये र की मात्रा, र छिद्र छेद, चर्म चमड़ा, चूर्ण चूरन, छत्र छत, चतुर्विंश चौबीस। जो गिनती हैं आपकी उसके लिए तो आप हिंदी कैलेंडर देखेंगे ना, तो उस आपको 15 तक तो आ ही जाएंगी, पर ये तो 24 है उसमें नहीं होगी। चतुष्कोण चौकोर, चतुष्पद चौपाया, चतुष का मतलब होता है चार, तो वही है, कोर मतलब कोण होता है ये कोना। चतुष्पद चौपाया, चक्रवाक चकवा, चर्म चाम, चर्मकार चमार, और एक जाति होती है चंचू चौंच, चतुर्थ चौथा, चैत्र चैत। चंडिका चांदनी, चित्रकार चितेरा, चिकन चिकना,
ये फिर अणय आ गया, तो ज़्यादातर अणय आ रहा है तत्सम शब्दों में, तो ये ध्यान देने वाली बात है। और ये रय आ गया चवर्ण में, चवाना, चक, चाक, छाया, छह, जीवा, जीव, ज्येष्ठ, जेठ, षट कोण वाला शय आ गया, जमाता, जवाई, जनरली जवाई बोलते हैं, ज्योति, ज्योत, जन्म, जन्म, इसमें ये शब्द यूज होता है जन्म, जंघा, जांग, जांद, जंधा, जांद, झरन, झरना, जीर्ण, झीना, तैल, तेल, तृण, तिनका, ताम्र, तांबा। तिथिवार, त्यौहार, त्यौहार यूज़ किया जाता है आजकल। तांबुलिक, तमोली, तड़ाग, तालाब, त्वरित, तुरंत, तपस्वी, तपसी, तुंद, तोंद, तीर्थ, इसमें र यूज़ हुआ है, तीरथ, तीरथ जो लोग बोलते हैं ज़्यादातर तीरथ बोलते हैं, दूर्वा, दूब, दधि, दही, दुग्ध, दूध, दीपावली, दिवाली। वैसे तो जनरल लोग दिवाली यूज़ करते हैं, कोई कोई विश करने में दीपावली यूज़ करते हैं तो तत्सम होता है दीपावली। धर्म, र, धर्म, दंत, दांत, दीप, दिया, धूम्र, धुआं, र, धैर्य, इसमें भी र, धीरज, दिशांतर, दिशावर, दृष्ट, र और क्ष, ढीठ, दंत धावन, दतून, वैसे इसे दतून न बोलकर दातून बोलते हैं लोग। दंड, दंडा, ये डंडा, द्वादश, बारह, द्विगुना, दुगुना, दृष्टा, दाढ़, दीपशलाका, दिया सलाई, द्विप्रहरी, दोपहरी, वैसे द्विपहरी होता है तत्सम में और दोपहरी बोलते हैं हम जनरली। धरित्री, धरती, दंश, डंका, डंक भी बोलते हैं इसे, द्विप्ट, दुपट्टा, दुर्बल, दुर्बला, दुख, दुख। तो देखिए तत्सम में विसर्ग का यूज़ हुआ है, एक रूल ये भी है कि विसर्ग का ज़्यादातर यूज़ होता है तत्सम शब्दों में, क्योंकि वो संस्कृत से आए हैं, संस्कृत में भी विसर्ग का यूज़ होता है। द्वितीय, ईजा, दक्षिण, दाहिना, धूली, धुरी, धनश्रेष्ठि, धन्ना सेठी, दोहित्र, दोहिता, देव, दही, हमने सुना होगा दही देवता बोलते हैं, दही देवता यहाँ पर ज़्यादातर यूपी में बोलते हैं इस तरह से देवताओं को। पक्षी, पंछी, क्ष और च, नयन, नयन, पत्र, पत्ता, नृत्य, नाच, र, री, यहाँ पर र, नींद, निद्रा, नींद, पद, पैर, नव्य, नया, प्रस्तर, पत्थर, नासिका, नाक, तो ये संस्कृत में यूज़ होता है नासिका। पिपासा, प्यास, पक्ष, पंख, नवीन, नया, नग्न, नंगा, पुत्र, पूत, प्रहर, पहर, जो पहर होते हैं ये सुबह, मतलब दो पहर, शाम, ये तीन पहर होते हैं उनको बोल रहे हैं, उनकी बात हो रही है। पितृ, स्वसा, बुआ, यानी कि पिता की बहन, प्रतिवेश्मिक, पड़ोसी, देखिए पड़ोसी का कितना टिपिकल नेम है तत्सम में। प्रत्यभिज्ञान, पहचान, प्रहेलिका, पहेली, पुष्प, फूल,
पृष्ठ पीठ पौष पूष पुत्र वधु पतोह पंच पांच नारिकेल नारियल निष्ठुर निठुर पश्चाताप पश्चात पछतावा इसमें श का यूज हुआ है इसमें छ प्रकट प्रगट प्रतिवासी पड़ोसी पड़ोसी का एक और नया नाम आ गया तो अब आज से पड़ोसी नाम बोलकर ये नए नाम बोलेंगे प्रतिवासी पितृ पिता पीत पीला नापित नाई पर्यंक पलंग ये भी संस्कृत में आप सुना होगा पकवान पकवा अन्न पकवान पाषाण पाहन प्रतीक्षाया परछाई निर्वाह निवाह निम्ब नीम नकुल नेवला नव नव परीक्षा परक पुष्कर पोखर पूर्ण पूर्णी सॉरी पर्ण है पर्ण परा पूर्व पूरब पंचदश पंद्रह पक पका पट्टी का पाटी पवन पौन प्रिय पिय पुच्छ पूंछ परपट पापड़ फणी फण पदम पदम यहाँ पे देखिए आधे दे का यूज हुआ है परखे परसो पाश फंदा प्रश्वेदा पसीना प्रश्वेद भी बोल देते हैं स्वेद भी बोल देते हैं इसे सिर्फ प्र हटा के बालू का बालू बिंदु बूंद फाल्गुन फागुन फागुन बोलते हैं जनरली बधिर बहरा बलिवर्द बैल बलिवर्द बीट ये अलग अलग जो शब्द है तो है बीट मयूर मोर मुख मुंह मक्षिका मक्खी मस्तक माथा भिक्षुक भिखारी भिक्षुक सुना होगा संस्कृत में मृत्यु मौत ये री भिक्षा भीख मातुल मामा भ्राता भाई मिष्ट मीठा मृत्तिका मिट्टी संस्कृत शब्द भुजा बाह भगिनी बहिन मृग मिरग मनुष्य मानुष मानुष भक्त भगत भल्लुक भालू मार्ग मग इसलिए जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी सारे हैं और वीडियो लंबा हो जाएगा मित्र मीत मुष्टि मुट्ठी मूल्य मोल मूषक मूस मेघ मेह भाद्रपद भादु मौक्तिक मोती मृकटी मकड़ी मशरू मूछ भद्र भला भ्रतजा भतीजा भ्रमर भौरा भ्रु भों मुशल मूसल महिषी भैंस भैंस देखे भैंस को महिषी कहते हैं शुद्ध हिंदी में तत्समय मरीच मिर्च रात्रि रात युवा जवान तो यश जस शसलजम राशि रास यहाँ पर शसलजम रोदन रोना योगी जोगी राजा राय यमुना जमुना यज्ञोपवीत जनेऊ यव जो राजपुत्र राजपूत यति जति यूथ जत्था युक्ति जुगति रक्षा राखी रज्जु रस्सी रक्षा जैसे वो राखी बांधते हैं रक्षाबंधन पर रक्षा का धागा होता है रज्जु रस्सी रिक्त रीता यशोदा जसोदा तद्भव में जसोदा बोलते हैं वानर बंदर ये वै और बै का यूज़ नहीं हुआ था अभी तक देखिए ये तत्सम में बताया था मैंने वै का यूज़ होता है वानर तद्भव में बै बंदर लोह लोहा अभी वै के यूज़ आ गए हैं यहाँ पर वत्स बच्चा विवाह ब्याह वधु बहु वास्प भाप विद्युत बिजली वार्ता बात
अगर आप देखें तो देखिए सभी में वै का यूज़ हो रहा है, उसमें ही वै का यूज़ हो रहा है, तो तत्सम में वै और तत्सम में वै। लक्ष्य लाख, लक्ष्मण लखन, व्याघ्र बाघ, वणिक बनिया, वाणी बैन, वर यात्रा बारात, वर्ष बरस, वैर बैर, लज्जा लाज, लवंग लौंग, लोक लोग, वट बड़, पेड़ जो होता है वट का, बड़ का भी बोलते हैं उसे, वज्रांग बजरंग, वल्स बछड़ा, लोमशा लोमड़ी, वक बगला, वंश बांस, वृश्चिका बिच्छू, लवणता लुनाई, लेपन लेपना, विकार बिगाड़, सॉरी बिगाड़। तो कहीं कहीं इसमें भी तद्भव में विवेक का यूज़ हो जाएगा, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, बट जनरली बात की जा रही है वै और वै के यूज़ की। व्यथा विथा, वर्षा बरसात, सूर्य सूरज, स्वर्ण सोना, स्तन थन, सूची सुई, सुभाग सुहाग, जिसे कहते हैं सौभाग्यवती, तो वो मतलब सुहागन के लिए बोला जाता है। शिक्षा सीख, शुष्क सूखा, सत्य सच, सर्प सांप, र श्रृंगार, श्र सिंगर, शत सो, श सप्त सात, शर्कर शक्कर, शिर सिर, श्रृंग श्र सिंग, श्रेष्ठी, इसमें श्र है और क्ष है, श्रेष्ठ ये सेठ हो गया। फिर श्रावण सावन, श्र श सलजम, शाक साग, श्लाका सलाई, श्यामल सांवला, शून्य सोना, सप्तसती सत्सई, स्फोटक फोड़ा, स्कंध कंधा, स्नेह नेह, श्यालस साला, शैया सेज जो बैठने के लिए होती है, स्वैसुर ससुर, ससुर को स्वैसुर बोलते हैं, तत्सम में श्रृंखला सांकल, श्रृंगाल सियार, शिला सिल, सूत्र सूत, शीर्ष शीस, स्थल थल, स्थिर थिर, ससर्प सरसो, सपत्नी सौत, पत्नी के अलावा जो होती है दूसरी उसको बोलेंगे, स्वर्णकार सुनार, शोकर सोवर, शाप श्राप, इसमें देखिए इसमें तद्भव में श्राप श्रेय यूज़ हो गया है, तो कहीं कहीं अपवाद भी हो सकते हैं, मतलब वो नियम के विरुद्ध भी हो सकता है। शाली साली, शमशान शमशान, ये हिंदी का है वो, सॉरी हिंदी नहीं तद्भव, शुक हिंदी तो दोनों ही हैं, शुक सुआ, हास्य हसी हसी, क्षीर खीर, क्षेत्र खेत, हिरण हरिण, इसमें भी देखिए नए अणय का यूज़ हो गया है तद्भव में, तो किसी किसी में यूज़ हो सकता है, हस्त हाथ, हस्ती हाथी, क्षत्रिय खत्री, क्षार खार, क्षत छत। फिर है हरिद्रा हल्दी, क्षति क्षति, क्षीण छीन, क्षत्रिय खत्री, हट ये रिपीट हो गया है, हट हाट, होलिका होली, हृदय ही है, तो ये तद्भव में ही है बोलेंगे सो, हंडी हांडी, त्रिणी तीन, त्रयोदस तेरह, तो ये हो गए आपके टोटल तत्सम और तद्भव, ये हो गए आपके, अगर टोटल की बात करें तो 808 हो गए हैं अलग अलग मिलाकर, और वैसे जोड़े से देखें तो 404, तो इतने सारे ये इसमें हो गए वीडियो में आपके, तो काफ़ी हद तक आपके सारे कवर हो गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वैसे ऑलरेडी वीडियो लंबा हो गया है,